हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी मेरे चैनल पर जो मेरे घर में शादी थी उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी आज ये जो वीडियो है लास्ट वीडियो है, तो यहाँ तक मैंने शेयर किया था कि देखिए जयमाल हो चुका है लड़का लड़की का, और उसके बाद वो लोग स्टेज पर आकर के बैठ गए हैं, और यह है लड़की लड़की की छोटी बहन, और स्टेज पर आकर वो लोग बैठ गए, और उसके बाद सब पूरी फैमिली जितने भी सारे लोग थे सब लोग एक एक करके दुल्हा दुल्हन के साथ सब लोग फ़ोटो क्लिक कराए। ये देखिए लड़की के पापा हैं, और ये मेरे बड़े भैया भाभी और जीजा जी हैं। ये मेरे जीजा जी हैं, मतलब दुल्हन के पापा। यहाँ पर देखिए हम लोग हैं पूरी फैमिली, और बस इसी तरीके से सब लोग एक एक करके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से सब लोग एक एक करके सब लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया। यहाँ मेरे सारे भाई भाभियाँ हैं सब, और सब बच्चों के साथ सबके साथ सबने खूब फ़ोटो सेशन करवाया और खूब मज़ा आया। चिंकी ध्रुव भी अपने भाई बहनों के साथ खूब फ़ोटो क्लिक कराए, और सबने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद पूरा फ़ोटो सेशन हो गया दोनों तरफ से, तो केक कटिंग हुआ यहाँ पर, और उसके बाद से फिर सब लोगों ने खाना पीना खाया। यहाँ देखिए लड़का लड़की भी अब दूल्हा दुल्हन भी अब खाना खा रहे, एक दूसरे को खिलाया, और फिर उसके बाद से सारे रस्म शुरू हो गए। तो यहाँ पर देखिए लड़की अब जा रही है चेंज करके फिर सिबु मंडप में आकर के बैठ गई है। और इसके बाद ना हमारे यहाँ सबसे पहले होता है गुड़हत्ती, जो भैंसुर है जो लड़के के बड़े भाई होते हैं, वो सारे ज्वेलरी वगैरह सब चढ़ाते हैं, तो हम लोग वो गुड़हत्ती बोलते हैं। और यहाँ पर उसके बाद गुड़हत्ती के बाद दूल्हे राजा आते हैं। तो दूल्हे राजा को मंडप में बैठने से पहले हम लोग बिहार में बोलते हैं दूल्हा परिचना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लड़की की चाची कर चुकी थी, लड़की की बुआ है वो कर रही है। तो हम लोग उससे अच्छा तुच्छा डालते हैं, जो सिलबट्टा होता है लोढ़ा होता है उससे ऐसे नज़र उतारते हैं, पान के पत्ता से करते हैं, मतलब इसी तरह की सारी लेडीज़ जो भी सुहागिनी हैं सभी जो दूल्हे राजा है उनको परिचती है, हम लोग बोलते हैं दूल्हा परिचना। और सब लेडीज़ लोग हम लोग करते इसी तरह चुन्नी ओढ़ ओढ़ के सब लोग, ये देखिए लोढ़ा बोलते हैं हम लोग, ऐसे करके नज़र उतारते हैं, और फिर ये पान का पत्ता से उनका गाल भी सेकते हैं, फिर लास्ट में अच्छा तरह से डाल देते हैं। और उसके बाद ये देखिए मंडप में आने पर साले साहब जो होते हैं वो भंवर घुमाते हैं। और इसके बाद अब आ गया कन्यादान का टाइम। तो यहाँ पर देखिए दूल्हा दुल्हन सब लोग बैठे हैं, दुल्हन भी बैठी है अपने पापा के पास, और इधर सारे हम लोग बैठे हुए हैं, दूसरे साइड में बारात की तरफ से भी लोग सारे बैठे हुए हैं। सब लोग अभी बहुत इमोशनल मोमेंट होता है कन्यादान का, तो सब लोग थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दुल्हन बैठी है, दूल्हे राजा भी हैं और मेरे जीजा जी भी हैं। तो बस यहाँ पर अभी कन्यादान होता है, और कन्यादान के समय जो भाई होते हैं ना जो दोनों हाथ ऐसे रखते हैं, तो वहाँ पर पानी गिराना होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी जीजा जी हैं, अब जीजा जी के हाथ में है, और इसके बाद जो पापा है वो लड़के के हाथ में लड़की का हाथ दे देते हैं। और यहाँ पर हम लोग को ना सोना भी दिया जाता है, तो लड़के को दिया जाए अंगूठी भी पहनना है, और इसके बाद बस पापा धीरे धीरे अपना हाथ हटा देते हैं, लड़के के हाथ में लड़की का हाथ दे देते हैं। इसके बाद होता है गठजोड़, जो बहनें करती हैं देखिए, और फिर उसके बाद रस्म शुरू होता है हम लोग में लावा मेराई बोलते हैं। लावा जो होता है ये 7 बार सील पर बना हुआ है, इसी समय हम लोग में फेरे भी हो जाते हैं। 7 बार भाई जो होता है लावा ऐसे सुपली होता है उसमें गिराते जाता है, और सुपली से लड़की लड़का ऐसे छटकते जाते हैं। तो इसी तरह से अग्नि के फेरे भी, बीच में अग्नि जलते रहता है, 7 फेरे भी हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से भाई जो है उसमें लावा गिराते जाता है, और लड़का लड़की ऐसे रहते हैं और ऐसे उसको छटकते जाते हैं। तो यहाँ पर ना मुंह में छोटा वाला, इसे छोटा वाला से होता है, छोटा नहीं मिला तो ये बड़ा सा था उससे कर रहे थे यहाँ पर, ऐसे हमारा बिहार में बहुत छोटा सा छिटकी मौनी बोलते वो मिल जाता है, तो यहाँ पर नहीं मिला था मुंह में, तो यही जहाँ पर जो मिलता है उसी से काम हो जाता है, तो सही होता है। तो 7 बार ये बौर घूमता, 7 बार जो वो दिखाए ना सील पर लड़की पैर रखती है, और लड़का 7 बार वो हटाता है सील पर से लड़की का पैर, हमारे बिहार में ऐसा ये रस्म होता है। और फिर उसके बाद देखिए ये सिंदूरा होता है, इसमें लड़के की तरफ से सिंदूर आता है, लड़का सिंदूरा लेकर के आते हैं। और ये सब रस्म होने के बाद बस अब सिंदूरदान का टाइम आ गया है।
तो लड़का जो है लड़की का मांग भरेगा, उसके पहले बुआ अच्छे से लड़की का बाल झाड़ देती है। बाल में हम लोग थोड़ा सा तेल भी लगा देते हैं जिससे कि सिंदूर रस्से से चिपक जाए और सिंदूर ना, तो हम लोग ऐसे घेर देते हैं, बोलते हैं बड़े और कुंवारी लड़कियां नहीं वो देखते सिंदूर सिंदूर डालने का डालते फोटो समय। के लिए लड़का थोड़ा सा अपने हाथ से लगा देता है चुटकी से, जिससे कि थोड़ा फोटो वगैरह हो जाए। यहाँ सिंदूरदान हो गया है और सिंदूरदान होने के बाद ना हम लोग में सबसे पहले बुआ जो होती है लड़की की, वो दोबारा सिंदूर लगाती है, लड़की भी बुआ को सिंदूर लगाती है। तो हम लोग में सिंदूर बोहराओ बोलते हैं, तो बुआ करती है। उसके बाद मंडप में ही बुआ सारे उनको हम लोग में बिछिया उछिया होता है सब पहना देती है लड़की को मंडप में ही। और यहाँ पर दूल्हे राजा देखिए लड़की को मंगलसूत्र भी पहना रहे हैं। और इस तरीके से शादी का रस्म हो गया सिंदूर करके, लड़का जो है लड़की के हाथ में सिंदूरा दे देता है। यहाँ पर ध्रुव शिखा के साथ देखिए। और इसके बाद ना अब हम लोग शादी हो चुका है तो अब साथ में हम लोग लड़का और लड़की को दोनों को हम लोग चुमाते हैं। यहाँ शादी होने हो जाता है सब रस्म। तो अब हम लोग कोहबर में लड़का लड़की को लेके जाते हैं, तो यहाँ पर बहनें दरवाज़ा छेकती है तो जीजा जी से उन्होंने डिमांड करती है। तो यहाँ पर जीजा जी से उन्होंने डिमांड किया, जीजा जी इनके बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो सबने कहा ठीक है आप हमें गाना गाकर ही सुनाइए, तो गिटार भी अच्छा बजाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो गिटार बजा के अपने साला सालियों को और सारे ससुराल वालों को खुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे नेक भी दिया जाता है, तो चलो नेक भी मिला और जिया जी गाना भी गाए अपने साला साली के लिए। और अब कोहबर में आ गए हैं, तो जो कोहबर यह लिखाया था ना, यहाँ पर लड़की जो होती है सब जगह, नहीं लड़का जो होता है हर जगह घी लगाता है और लड़की हर जगह सिंदूर लगाती है। और उसके बाद दीदी के फोटो को प्रणाम करते हैं दोनों। और बस अब लड़का तैयार हो गया है, विदाई का समय हो गया है, लड़का चेंज कर लिए है और इधर लड़की का भी हम लोग सब चेंज कर रहे हैं। और यहाँ देखिए दोनों छोटी बहनें शिबू की, लड़का रेडी होकर के अपनी फैमिली के साथ बैठ गए हैं और यहाँ बहनें उदास है। अब यहाँ देखिए तैयार होने के बाद वापस से मंडप में आते हैं। ये लास्ट रस्म होता है मनझक्की, जिसमें से लड़के के पापा या लड़के का बड़ा भाई सर पे लड़की का साड़ी रखेंगे, लड़का हटाता है। ये रस्म होता है हमारी, इसको मनझक्की बोलते हैं। ये लास्ट रस्म हो जाता है तो वापस से फिर हम लोग ये अब लास्ट बार लड़का लड़की को हम लोग अभी चुमाते हैं। और यहाँ देखिए सब हो गया, तो लड़का मेरे मम्मी पापा जी को प्रणाम करने आए। और अब यहाँ पर क्या है, लड़का को सब लोग लड़की वाले गिफ्ट देते हैं। मेरे बड़े भैया भाभी हैं, ये हम लोग हैं, यहाँ पर मेरे कल्याण वाले भैया भाभी है, ये नितिका सोनू है, ये बंटी अपर्णा है, ये मेरा मनीष आरती है और ये मेरा छोटा वाला टिंकू और मोनिका है। ये लड़की के बड़े पापा है, ये चाचा चाची है और ये बड़ी बुआ है और इसके बाद ये छोटी बुआ। सब लोगों ने लड़का को गिफ्ट में अंगूठी दिया सोने का। और इसके लड़की को तो ससुराल में मिलेगा, लड़का को यहाँ मिल गया। तो अब देखिए विदाई की बारी है, बहुत ही इमोशनल मोमेंट, सब लोग बहुत इमोशनल हो गए। मैं भी उसको बहुत समझाई, बहुत प्यार की शिबू को कि बेटा अच्छे से जाना, अच्छे से रहना ससुराल में। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, दोनों को खूब सारा आशीर्वाद, हमेशा ये लोग ऐसे ही खुश रहे। और बस यहाँ विदाई हो रही है, सब लोग बहुत भावुक हो चुके हैं। लास्ट में भाई लोग गाड़ी में हाथ लगा देता है, तो मैंने हाथ लगाता है कि मतलब बहन को विदाई कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से शादी हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।